बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस वीडियो में हम बात करते हैं समझौते की बात वाकये के बाकी हिस्से की, जो इस तरह है। थोड़ी सी बहस मुबाहसे के बाद यह तय हुआ कि उतबा को हजरत मोहम्मद की खिदमत में सफ़ीर यानी कि दूत बनाकर भेजा जाए और उसे अख्तियार दिया जाए कि जिस तरह से मुमकिन हो सुलह करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमवार करे। चुनांचे उतबा रवाना हुआ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका स्वागत किया, उसे एहतराम से अपने पास बिठाया। उतबा ने कहा, ए मोहम्मद, मैं आज तमाम कुरैश की तरफ से सफ़ीर बनकर हाजिर हुआ हूँ, कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे गौर से देखकर मुस्कुराए। आपने कहा, कहो उतबा, तुम क्या कहना चाहते हो? उतबा ने कहा, आपने अपनी कौम में ऐसा फितना खड़ा कर दिया है जो आज तक किसी ने नहीं किया। क्या आप इसे पसंद करते हैं कि मुसलमानों पर रात व दिन सख्तियाँ की जाएँ? आपने थोड़ी सांस भर कर कहा, तुम नहीं जानते मुसलमानों पर जो सख्तियाँ की जाती हैं उनसे मेरा दिल कितना दुखता है। उतबा ने कहा, फिर आप ऐसी तदबीर क्यों नहीं करते जिससे वे सब सख्तियाँ बंद हो जाएं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं क्या तदबीर कर सकता हूँ? खुदा की मसलहत में कोई दम नहीं मार सकता। उतबा ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, खुदा का नाम न लो, सारा फितना इस खुदा के नाम का ही है, आपको तदबीर मैं बताता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तदबीर है? उतबा ने कहा, आपको तमाम कुरैश अपना सरदार बनाने को तैयार है, आप मक्का के बादशाह बन जाएं, तमाम खजाना सारी फौज आपकी मातहती में दे दी जाएगी, जिस औरत या जिस लड़की से आप कहेंगे आपकी शादी कर दी जाएगी, इस मनसब को कबूल कर लीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर कुरैश के सरदारों ने यह समझा है कि मनसब की लालच में और हुकूमत मिलने के ख्याल से इस्लाम की तबलीग कर रहा हूँ तो गलत समझा। खुदा की कसम, मैं खिदमत ही करना चाहता हूँ, मुझे मनसब की आरजू नहीं है, मैं हुकूमत नहीं चाहता। अगर कोई तमन्ना है तो सिर्फ यह है कि तुम सब मुसलमान हो जाओ, पत्थर के बुतों को पूजना छोड़ दो। उतबा, मैं खुदा का रसूल हूँ, मुझ पर खुदा का पैगाम नाजिल होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर आयत सुनाई जिसका तर्जुमा इस तरह है, ए मोहम्मद, कह दो कि मैं तुझ जैसा आदमी हूँ, मुझ पर वही नाजिल होती है कि तुम्हारा खुदा सब बस एक खुदा है, पर बस सीधे उसकी तरफ जाओ और उससे माफ़ी मांगो। इन आयतों को सुनकर उतबा का चेहरा उतर गया और वह हैरान होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखने लगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उतबा, और सुनो, अल्लाह फरमाता है, ए मोहम्मद, कह दो कि क्या तुम लोग अल्लाह का इनकार करते हो जिसने दो दिन में यह ज़मीन पैदा की और तुम खुदा का शरीक करार देते हो, वही सारी दुनिया का पालने वाला है। उतबा के चेहरे का रंग इन आयतों को सुनकर उड़ गया, वह कांपने लगा। उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पर हाथ रखकर कहा, बस, वरना मेरा दिल उलट पुलट हो जाएगा और कलेजा फट जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप हो गए। उतबा उठकर सीधा कुरैश की मजलिस में पहुंचा। अबू लहब ने पूछा, उतबा क्या रहा? उतबा ने कहा, अगर मेरी बात मानो तो यही बेहतर है कि मोहम्मद से कुछ ना कहो। अबू जहल ने हंसकर कहा, क्या तुम पर भी उसने जादू कर दिया है? उतबा ने कहा, जो तुम चाहो कहो, मेरी राय तो यह ही है कि उनको उसके हाल पर छोड़ दो। अगर वह तमाम अरब पर गालिब आ गए तो यह तुम्हारी इज्जत है, वरना अरब खुद उनको फना कर देंगे। अबू लहब ने कहा, यह नहीं हो सकता। अबू सूफियान ने जोश में भरकर कहा, हमको सिर्फ अबू तालिब का पास है, वरना हम खुद उसका खात्मा कर देते। अबू जहल ने कहा, बेहतर तो मालूम होता है कि एक वक्त अबू तालिब की खिदमत में जाए और उनसे साफ साफ कह दे कि या तो वह अपने भतीजे को समझा दें कि वह हमारे माबूदों की तोहीन न करे, वरना हम उसे ज़रूर कत्ल कर डालेंगे। सब ने इस बात की तायद की और बात हो गई। इस कार्यवाही के बाद मजलिस से सूरा बर्खास्त कर दी गई, लोग अपने अपने घर को चले गए। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में हम हाजिर होंगे कुरैश का वफ्त अबू तालिब की खिदमत में वाकई के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।